हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडेंटी टेक। मेरा अभिषेक आइडेंटी। तो भाई आज के हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। आप जब भी वीडियो अपलोड करते हो तो आपको चार ऑप्शन मिलता है, पब्लिश करने का, अनलिस्टेड करने का, प्राइवेट करने का वीडियो को। तो भाई आप उसका मैं सब कुछ डिफाइन बताने वाला हूँ, सब कुछ इस वीडियो पे आपका जो जो डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो पे। और आपको वीडियो अपलोड करते समय आपको प्राइवेट में रखना चाहिए या फिर अनलिस्टेड में वीडियो अपलोड करना चाहिए, ये सब मैं सब कुछ मैं इस वीडियो पे आपको बताऊंगा फुल इन्फॉर्मेशन। तो भाई वीडियो के साथ जो है ना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइएगा, वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो भाई बात आता है हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो है पब्लिक। तो भाई इसका आप सिंपली समझ सकते हो, पब्लिक का मतलब होता है डायरेक्ट आप किसी वीडियो को पब्लिक कर दो, ठीक है ना। वो आपने जैसे क्लिक किया पब्लिक कर दो, पर इसका एक नुकसान ये है कि भाई आप डायरेक्ट अगर किसी वीडियो को पब्लिक कर दोगे तो ना उस पर आप थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिलता है, ना आप उसमें टैग लगा सकते हो। तो आप लगा सकते हो सिर्फ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अपना एड्रेस, बस और कुछ नहीं आप लगा सकते उसमें, ना ही आप टैग लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो आप बढ़िया से अगर मतलब वीडियो को पूरा तैयार करके अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो भाई आपको अनलिस्टेड में या फिर प्राइवेट में रखना पड़ेगा, तभी आप उस पर मतलब थंबनेल लगा सकते हो, टैग लगा सकते हो, समझे। तो भाई आप दूसरे नंबर पे हमारा ऑप्शन आता है अनलिस्टेड का, ठीक ना भाई। तो अनलिस्टेड भाई, अनलिस्टेड एक सिंपल मतलब अगर आपको किसी ने बताया है कि अनलिस्टेड या अनलिस्टेड में वीडियो अपलोड मत करो, प्राइवेट में करो, प्राइवेट में वीडियो अपलोड कर दो, बाद में उसको पब्लिक कर दें, तो भाई मेरा अगर चैनल पे मैं अभी अगर आप देखोगे तो 80 से ज़्यादा वीडियो मेरा अपलोड है, ठीक ना। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया है, डायरेक्ट पब्लिक भी करके देखा हूँ, डायरेक्ट मतलब क्या बोलते हैं अनलिस्टेड भी करके मतलब ट्राई किया है, प्राइवेट भी करके ट्राई किया है, क्या बोलते हैं फिर मतलब सब कुछ ट्राई किया है, मतलब पांचों जो ऑप्शन मिलता है पांचों मैंने ट्राई किया है, शेड्यूल भी करके देखा हूँ, ठीक ना। अब अभी मैं शेड्यूल में भी मैं अभी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो भाई मैं सब कुछ कर ट्राई करके देखा है। तो भाई आपका वैसा ही अगर आपका वीडियो उस सर्च में आपने बढ़िया टैग लगाया है, बढ़िया टाइटल लगाया है, बढ़िया डिस्क्रिप्शन लगाया है, तो आपका सर्च में आएगा ही आएगा, ठीक ना। और भाई आपका वीडियो यूट्यूब जैसा चाहेगा वही उसके ऊपर भेजेगा। आप अनलिस्टेड में करो, प्राइवेट में करो, पब्लिक में करो, वीडियो आपका उतना ही चलेगा जितना आप चलाना चाहते हो। तो भाई अब बात आता है भाई प्राइवेट का। तो भाई प्राइवेट और अनलिस्टेड दोनों एक ही चीज़ होता है, बस थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है भाई। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर आपका बड़ा चैनल है, आपको उस पर ऐड आता है, आपका वीडियो में बढ़िया व्यूज़ आता है, तो आप भाई किसी से ना किसी से कभी ना कभी आपके स्पॉन्सरशिप लेते हो। कोई ऐप आपसे बात करता है कि मैं आपको स्पॉन्सरशिप देना चाहता हूँ, तो भाई स्पॉन्सर अगर बात मान लेते हैं कि मैं ही आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा हूँ, तो मैं आपका वीडियो पहले चेक करूँगा ना कि किस पार्ट पे आपने मेरे बारे बताया या फिर मेरे ऐप के बारे बताया, तब ना मैं आपको पैसा दूंगा। तो भाई अनलिस्टेड में मतलब आपने वीडियो बना लिया, ठीक ना, पूरा सब कुछ तैयार कर लिया आपने, और उसको वो आदमी बोलेगा कि हमको भेजो, हम देखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट पब्लिक तो नहीं कर दोगे, ठीक है। तो आप उसको अनलिस्टेड में उसका जो लिंक है वो कॉपी करके उसको भेज दोगे, वो उसको देखता है कि हाँ भाई इस पार्ट में मेरा बताया हमको बढ़िया लगा, ठीक है तुम पब्लिक कर दो, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये जो आपने लिंक भेजा वो देख लिया, ठीक ना, सिर्फ वही देख सकता है, आप क्या बोलते हैं आप देख सकते हो, ठीक। अब प्राइवेट में डिफरेंस क्या है कि भाई प्राइवेट अगर आपने किसी वीडियो को प्राइवेट कर दिया और किसी को भेजा, तो आपने जिसको भेजा वही देख सकता है, वही तो भाई कोई और ब्राउजर में नहीं देख सकता, ये पता चली आपको। बट भाई आप देखिए अनलिस्टेड में किसी को अगर आपने किसी को लिंक भेजा, ठीक ना, तो वो और किसी को भेजेगा, वो और किसी को भेजेगा, ठीक ना, तो वो भी देख सकता है, ठीक, और आप भी देख सकते हो, और वो जिसको जिसको भेजेगा वो भी देख सकता है। बट प्राइवेट में क्या होगा, आपने जिसको भेजा है वही देख सकता है और आप ही देख सकते हो, उसके अलावा कोई नहीं देख सकता। तो भाई अब बात आता है शेड्यूल का। तो अगर आप शेड्यूल का मतलब सिंपली आप समझ सकते हो, शेड्यूल कर दिया आपने किसी को, शेड्यूल कर दिया, ठीक है, तो मैं भी अपना वीडियो शेड्यूल ही कर देता हूँ। मैं मतलब लगभग मैं 2-3 वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, शेड्यूल कर देता हूँ मेरा हर रोज। तो भाई मेरा हर रोज़ का वीडियो आपको 6:45 में मिल जाता है। और भाई अगर आपने किसी वीडियो को शेड्यूल कर दिया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक आपको जो नया डेट या फिर डाटा जिसको आप कहते हो उसको आपको ऑन करने की कोई जरूरत नहीं। आपने अगर टाइम फिक्स कर दिया, मतलब अगर आपने 12 बजे का टाइम फिक्स कर दिया, 12 बजे सुबह का टाइम अगर आपने फिक्स कर दिया, तो वो ठीक 12 बजे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करने जो, तो आपको सब डिस्क्रिप्शन उसक्रिप्शन सब लगा दिया आपने, ठीक ना, वो ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा, आप भी देख सकते हो और सभी देख सकता है, क्योंकि भाई पब्लिश हो चुका है। तो शेड्यूल का मतलब यही होता है। और भाई और एक ऑप्शन होता है प्रीमियम, ठीक ना, प्रीमियम जो होता है वो अगर आप मतलब कर देते हो, तो उस पर क्या होता है, अगर आपका ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, आप वो ऑडियंस ज़्यादा नहीं है भी है, अगर आपका वो वीडियो लगता है कि भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा चलेगा, ठीक ना, तो आप वो अगर कर दोगे तो फिर बढ़िया रहता है। उसके बारे में अलग आपको एक वीडियो बना कर दूंगा, क्योंकि भाई उसके लिए आपको बढ़िया समझाना पड़ेगा और उसका सेटिंग भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।